रोमन रेंस हमेशा से ही अपने डोमिनेट अंदाज के लिए WWE फैंस के बीच लोकप्रिय रहे हैं। रेंस का यूनिवर्सल टाइटल रन तगड़ा साबित हुआ है। उन्होंने WWE टाइटल को इसके साथ यूनिफाइड करने के बाद लगातार प्रभावित किया है। 2021 में रेंस ने एक मौके पर सैमी जेन का सामना किया था और कुछ ही सेकेंड्स में जीत दर्ज कर ली थी। 3 दिसंबर 2021 के स्मैकडाउन में उस समय के नंबर 1 कंटेंडर सैमी जेन ने ब्रोक लेसनर के सेगमेंट में दखल दिया। जेन ने बताया कि रेंस से Day 1 प्रीमियम लाइव इवेंट में लड़ने वाले हैं और ऐसे में द बीस्ट को अभी इंतजार करना होगा। लेसनर ने सैमी को स्मैकडाउन में लड़ने और चैंपियन बनने के लिए कहा। जेन ने मजबूरन लेसनर के डर में ब्लू ब्रांड में ही रेंस के खिलाफ लड़ने के लिए कहा। मेन इवेंट्स में रोमन रेंस और सैमी जेन का मैच तय हो गया। सैमी जेन ने मैच से पहले एंट्री की और प्रोमो कट किया। उन्होंने ब्रोक लेसनर की तारीफ की और बीस्ट भी यहाँ आए। इसी बीच जेन ने यह भी कह दिया कि लेसनर को उनसे लड़ना चाहिए। सैमी जेन ने कहा कि लेसनर का रिकॉर्ड रोमन रेंस के खिलाफ अच्छा नहीं है। यह सुनकर ब्रोक लेसनर को जबरदस्त गुस्सा आया और उन्होंने सैमी जेन की हालत खराब कर दी। इस जानलेवे हमले के कारण सैमी जेन घायल हो गए। फिर रोमन रेंस ने एंट्री की। द उसोस ने सैमी जेन को खड़ा किया और रोमन रेंस रिंग में आ गए।